अभी हाल ही में लॉन्च हुई बालाजी की हॉट वेब सीरीज क्रश की हॉट एक्ट्रेस अदिति शर्मा भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड के रेड कार्पेट पर दिखाई दी। यहां पर अदिति अपनी वेब सीरीज की सफलता से बहुत ही एक्साइटेड दिखाई दी। इसके बाद बिग बॉस पर बात करते हुए अदिति ने चाहे राहुल वैद्य के जीतने की कामना की थी, परंतु अफसोस कि वह बिग बॉस में नहीं जीत पाई। खैर, देखिए है अदिति का पूरा इंटरव्यू। मैं इधर देखती हूँ सेंटर में, ओके आई होप इट्स ओके। मैं ऐसे सबकी जगह देख लूँगी, ओके। सो एक्चुअली दादा साहब फाल्के में आना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि यू नो एवरी एक्टर्स ड्रीम इज टू बी हियर, बी प्रेजेंट हियर। सो आई थिंक आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। क्रैश के बारे में अगर आप यस, सो क्रैश लॉन्च हो चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी कि 9.8 IMDb रेटिंग मिली है एंड क्रैश को सब इतना प्यार दे रहे हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा, आफ्टर डूइंग वेब सीरीज एंड सीरियल, व्हाट आर योर प्लान नेक्स्ट? Yeah, I am looking forward to work for more web right now. मतलब web and movies, I'm auditioning for that. Serial भी बहुत amazing है, अगर कुछ अच्छा opportunity मिलता है serial में जहाँ मुझे अपना talent दिखाने का मौका मिलता है तो definitely serial करूँगी, but अगर अच्छी web की opportunity मिलती है तो definitely web, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि web का माहौल है, since post lockdown सब web series करने की कोशिश कर रहे हैं and I also want to go towards that. यार, आफ्टर कमिंग फ्रॉम सीरियल बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों को लगा नहीं था कि वेब वाली एक्टिंग कर पाएंगी, यू नो द वेब काफ़ी रियलिस्टिक होता है, सो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि ये तो सीरियल से है, सो ऐसा लोग सोच रहे थे, बट आई एम रियली ग्लैड, टचवुड बाय ब्लेसिंग्स एंड ऑल द हार्ड वर्क ऑफ माई प्रोड्यूसर्स एंड माई डायरेक्टर्स, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है एक्टिंग, काफ़ी अच्छी लग रही है स्टोरी लाइन, काफ़ी अच्छी लग रही है क्रैश की, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। यार वैसे मैं बिग बॉस रेगुलरली नहीं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही हूँ, ही इज़ बिन अ फ्रेंड बिफोर बिग बॉस, तो पहले पवित्रा को सपोर्ट कर रही थी बट क्योंकि पवित्रा बाहर आ गई तो आई थिंक राहुल वैद्य इज़ द वन। थैंक यू गाइज, थैंक यू।